ओके सर। देखो, अब आपका जो स्टार्ट होगा एडी वाला पार्ट, देखो हमारे पास जो है नेटवर्क इन्वायरमेंट के अंदर दो तरह की टॉपोलॉजीज होती है। जब हम लोग काम करते हैं विंडोज पे, तो वहां पे देखो दो थी दो चीजें होती है। देखो पहली चीज जो ठीक होती है वो होती है वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट, ठीक है, है ठीक और है। दूसरा इन्वायरमेंट होता है डोमेन इन्वायरमेंट या डोमेन मॉडल। ठीक है, वर्क ग्रुप इन्वायरमेंट को हम बोलते हैं पीयर टू पीयर मॉडल, और डोमेन ओके ओके एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। ठीक है ना, अब देखो डोमेन एनवायरनमेंट और क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट कैसे काम करता है और वर्क ग्रुप कैसे काम करता है, अब हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले ठीक है। देखो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो बना हुआ है कि भाई हमने एक सेंट्रलाइज स्विच लगाया और इस स्विच से हमने अपने कंप्यूटर्स कनेक्ट किए। तो हमारे पास देखो एक तरफ यहाँ पे एक्सपी है, विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी है, एक है हमारा विंडोज सर्वर, यहाँ पे विंडोज सर्वर 2003 है, एक तरफ यहाँ पे हमारे पास 2016 है मान लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे हमारा चल रहा है 2008। ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर हम वर्क ग्रुप एनवायरमेंट में होते तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन नहीं होता। इसमें क्या है, अच्छा नो सेंट्रलाइजेशन ऑथेंटिकेशन, इसमें कोई सेंट्रलाइजेशन ऑथेंटिकेशन नहीं है, कोई सेंट्रलाइज सर्वर से ऑथेंटिकेशन नहीं हो रहा। इसमें ऑथेंटिकेशन कैसे हो रहा है, लोकल ऑथेंटिकेशन। लोकल ऑथेंटिकेशन का मतलब है कि हर कंप्यूटर में लोकल यूजर बना रहे हैं। तो जैसे विंडोज एक्सपी है, यहां पे मैंने क्या किया, एक यूजर वन बनाया, ठीक है, यूजर टू बनाया, यूजर थ्री बनाया, इस तरह से यूजर बना रहा हूं। इस पे मैंने दो यूजर बनाया, एक मैं राम नाम से बनाया, एक नाम मैंने मोहन नाम से बनाया। एक यूजर देखो यहाँ 16 पे, 16 पे आपने यहाँ पे बना लिया निर्मल, एक बना लिया यहाँ पे बाब, यहाँ पे आपने बना लिया केएमपी, एक बना लिया सीएमपी, इस तरह के यूजर आपने बना लिया। अब क्या होगा, जो यूजर जहां बनेंगे वो वहीं पे लॉगिन कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि यूजर यहाँ बनाओगे और लॉगिन यहाँ कहीं और करोगे, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वर्क ग्रुप मॉडल होता है। वर्क ग्रुप मॉडल में हमेशा क्या है, जो लॉगिन होता है वो लोकल डेटाबेस से होता ठीक है। ठीक है, लॉगिन डेटाबेस है कैसे काम करेगा लोकल, देखो ये यूजर बने हुए हैं इसके अंदर, यहाँ यूजर वन बनाया, यहाँ यूजर टू है, यहाँ यूजर फोर है, या नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यूजर वन लॉगिन करेगा तो क्या करेगा, यूजर नेम डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ओके करेगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि यूजर जो डेटाबेस है, यहाँ पे लोकल डेटाबेस बना होता है, इसको कहते हैं सैम अकाउंट डेटाबेस। इसको क्या कहते हैं, सैम सेम अकाउंट अकाउंट डेटा। डेटाबेस। इस सैम अकाउंट डेटाबेस में इसके यूजर नेम और पासवर्ड स्टोर होते हैं, ठीक है अच्छा ना, और ये सैम ठीक अकाउंट है। डेटाबेस कहाँ पे लोकेट करता है, सी विंडोज यूजर्स कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर। अच्छा कॉन्फ़िग डायरेक्टरी। ठीक है, इस कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर ही आपके क्या है, सैम अकाउंट डेटाबेस स्टोर होते हैं। ठीक है, अच्छा बात समझ आई। अब देखो ठीक ऑथेंटिकेशन कैसे होगा, यहाँ लोकल डेटाबेस में चेक करेगा यूजर है कि नहीं है, पासवर्ड चेक करेगा और लॉगिन कर जाएगा। ऑथेंटिकेशन क्या है, ग्रांट हो गया, जब ऑथेंटिकेशन ग्रांट हो गया तो ये स्क्रीन खुल जाएगी इसकी। ठीक है, ठीक अब क्या है कि है अब इसने क्या है, यहाँ पे डाला यूजर टू,
यूजर टू इस पे बना हुआ नहीं है हाँ। तो यहाँ लोकल डेटाबेस में चेक करेगा, यहाँ मिलेगा ही नहीं इसको, तो क्या होगा? ऑथेंटिकेशन फेल हो जाएगा, एक्सेस डिनाइड हो जाएगा, यहाँ पे फिर बाहर फेंक दिया जाएगा, यहाँ पे लॉग इन नहीं कर सकेगा, क्योंकि यूजर टू यहाँ बना हुआ है, यहाँ नहीं, यहाँ तो सिर्फ यूजर वन बना हुआ है। राइट, इस तरह से जो यूजर जहाँ पे बना होगा वहीं पे लॉग इन करेगा, यहाँ पे यूजर टू बना है तो यहाँ लॉग इन करेगा, यहाँ पे इसके लोकल डेटाबेस में चेक करेगा, यहाँ पे भी सेम अकाउंट डेटाबेस होगा, यहाँ ऑथेंटिकेशन ग्रांट हो जाएगा, ये लॉग इन कर लेगा, ऐसी स्क्रीन आ जाएगी। अब अगर यूजर वन यहाँ लॉग इन करेगा, ये देखो यहाँ चेक करेगा यूजर वन है यहाँ पे, नहीं है, ऑथेंटिकेशन फेल होगा। बात समझ आई? हाँ, ये तो था वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट। वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट होता है और इसमें लोकल यूजर ही बनते हैं, डोमेन यूजर नहीं बनते। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोमेन एनवायरनमेंट। डोमेन एनवायरनमेंट में हमें पहले चाहिए एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? तो हमारे पास दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होते हैं क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10, और बाकी होते हैं सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके सर्वर 2003, 2008, 2012, 16, ये सब है। तो हमें चाहिए पहले एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। अब दूसरी चीज चाहिए हमें, उसके अंदर डोमेन सर्विसेज चाहिए। अगर हम उस सर्वर के अंदर डोमेन सर्विसेज डाल दें तो ये कंप्यूटर प्रमोट हो जाएगा डोमेन कंट्रोलर, और इसके अंदर डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। जब डोमेन एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा तो आप देख रहे हो यहाँ ट्रायंगल बना हुआ है, तो ये पूरा एक डोमेन बन गया। ये क्या बन गया? डोमेन बन गया, और ये इसके क्लाइंट बन गए। ये कंप्यूटर क्या बन गया? इसके क्लाइंट बन गए। क्लाइंट ये सर्वर हो गया, ये दोनों क्लाइंट हो गए। अब ऑथेंटिकेशन कैसे होगा? देखो यहाँ पे हम एडी के अंदर यूजर बनाएंगे, ठीक है, और लॉगिन कैसे करेंगे? लॉगिन हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ से करेंगे लॉगिन, क्लाइंट कंप्यूटर से। तो जैसे लॉगिन के लिए हम डालेंगे यूजर नेम डाला, पासवर्ड डाला, और यहाँ पे हमने क्या किया, डोमेन नेम चूज किया। हमारा डोमेन नेम है जूम, ठीक है? अच्छा, डोमेन नेम आपका कुछ भी हो सकता है, abcxyz.com कुछ भी हो सकता है। ये देखो, अब जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे जाएगी। देखो रिक्वेस्ट गई, इस रिक्वेस्ट को लेके जाएगा कैरबरोस प्रोटोकॉल। कैरबरोस एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट को सर्वर पे लेके जाता है। सर्वर पे जैसे ही लेके जाएगा तो सर्वर के अंदर सेंट्रलाइज डेटाबेस पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ये मैच करेगा अपने यूजर और पासवर्ड को। ये देखो मैच हो गया है, तो जैसे ये मैच होगा जो सर्वर कंप्यूटर है इसे ऑथेंटिकेशन भेज देगा और ये कंप्यूटर लॉग इन कर लेगा। एक्सेस ग्रांट कर दिया। सर, तो जो ये जो कर्बरोस है, ये जो डेटा मींस लेकर जा रहा है क्लाइंट सर्वर के पास कर्बरोस के थ्रू, तो ये सर सिर्फ ऑथेंटिकेशन मींस सिर्फ यूजर नेम पासवर्ड का ही डेटा ले जाता है या फिर और भी कुछ डेटा जो क्लाइंट से सर्वर जाता है उसमें इसका रोल होता है? ये सिर्फ क्या करता है, यूजर नेम पासवर्ड को इनक्रिप्ट करके लेके जाता है, ठीक है ना, और कुछ नहीं लेके जाता, ये सिर्फ ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन को लेके जाता है, ठीक है, और सर्वर पे मैच कराता है। सर्वर अगर मैच कर लेता है इस चीज को तो ये क्या करता है, उसे एक्सेस ग्रांट दे देता है, ठीक है? तो सर्वर क्या करता है, उसे एक्सेस टोकन प्रोवाइड कर देता है, और हम क्या करते हैं उस एक्सेस टोकन को अपने कंप्यूटर पे अप्लाई कर लेते हैं वाया कर्बरोस। कर्बरोस ही उस टोकन को लेके आता है और अप्लाई कर देता है ऑटोमेटिक, हमें पता नहीं चलता, बैकग्राउंड में चलता है काम, और हम लॉग इन कर जाते हैं। इसी तरह देखो ये कंप्यूटर यहाँ पे विंडोज 8 डला हुआ है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा ओएस डला है, हम सिर्फ क्या करेंगे अपने डोमेन से लॉग इन करेंगे। तो देखो डोमेन नेम स्लैश यूजर नेम डालेंगे, ऐसे पासवर्ड डालेंगे, उसके बाद देखो ऑथेंटिकेशन फिर से जाएगा कैरबरोस के थ्रू। ये देखो लेके गया, और लेके जाने के बाद अब मैच करेगा डेटाबेस में, डेटाबेस में मैच होगा। देखो यहाँ मैच हो गया, मैच होते ही क्या ऑथेंटिकेशन ग्रांट हो गया, इसे एक्सेस हो गया। ये देखो इसका डेस्कटॉप खुल जाएगा, बात समझ आ गई? तो ये इसे कहते हैं आपकी